और रिलायंस ज्वेलर्स में एक बड़ी लूटकांड की घटना हुई थी, बड़ी मात्रा में लूट हुई थी, करीब 8 से 9 किलो के आसपास सोना लूटा गया था, जिसमें अभी जो हम लोगों को पता चल गया है कि सारा सोना इन लोगों ने कहाँ बेचा, किसको बेचा है, उसी लूट का करीब करीब 5 लाख रुपया और एक सोने की चेन और कुछ सोने का आइटम और है उसको बरामद किया गया। कलकत्ता जेल से ही इस घटना की प्लानिंग हुई थी। इस घटना में कुल 13 अपराधी शामिल थे, 13 में से 2 अपराधी छपरा के थे, बाकी सभी अपराधी, एक समस्तीपुर का था और अन्य 10वां अपराधी वैशाली जिले के थे। ये लोग यहाँ घटना करने के लिए जनवरी में ही आ गए थे और पटोरी थाना में एक घर किराए पर लेकर के कमरा वहाँ ये लोग रहने लगे थे। करीब देखी के क्रम में इन लोगों ने ये भी देख लिया था कि रिलायंस ज्वेलर्स वाले जो हैं उनके पास अपनी कोई सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था की कमियाँ थी वो इन लोगों ने देख ली थी कि कोई आर्म्ड गार्ड नहीं है, और जब ये लोग बंद करते हैं अपने शोरूम को तो उस समय एकदम कैजुअल रवैया इनका रहता है, अलर्ट नहीं रहते हैं, इसीलिए इन लोगों ने रात में 8 बजे के बाद का समय चयन किया था घटना करने के लिए। जब शोरूम बंद होता है तो उस समय ये लोग अलर्ट स्टेज में नहीं रहते। रिलायंस ज्वेलर्स वाले अपने ही अंदर के जो कैंपस है उसकी वीडियो बना बना के भी डालते हैं सोशल मीडिया पर, तो इन्होंने वीडियो के माध्यम से अंदर का पूरा परिदृश्य देख लिया था। इनको पता था कि सामान कहाँ रखा हुआ है और कितनी टेबल्स हैं, कितने लोग हैं, इस बात का अंदाजा इन लोगों को मोबाइल पर ही चल गया था। और सातों अपराधी अंदर पूरी चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं इस तरह से घटना करते हैं, तो इनकी जो चाल है सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डेड थी, अभी लोग पकड़े गए हैं, तो इनकी चाल के आधार पर ही अब ये घटनाओं का डिटेक्शन हम लोग कर रहे हैं और इनका जो चाल विश्लेषण टेस्ट है वो FSL गांधीनगर के माध्यम से फिर से कराया जाएगा। आगे हुए हैं उनके द्वारा कोई और एक देश में कहीं भी, कहाँ ये करेंगे ये भी निज्ञात नहीं है, लेकिन ये श्योर है इनकी प्लानिंग, कुछ दस्तावेज हम लोग को मिले हैं जिसमें यह वर्णित है कि रक्षाबंधन के पहले ये लोग एक और कोई बड़ी रिलायंस ज्वेलर्स के यहाँ या किसी भी ज्वेलर्स के यहाँ कोई ज्वेलरी शोरूम में घटना करने की प्लानिंग कर रहे थे। और ऐसा है जो हमारे जो यंग हैं आज के युवा पीढ़ी के जो नए लड़के हैं उनको किस तरीके से लोग बरगलाते हैं, उनको ये तक भरोसा दिलाया गया था कि आपको मंथली, क्योंकि बड़ी लूट ये लोग करते हैं उसमें से जो पैसा आएगा उसमें से मंथली पे रोल पर हायर करते हैं कि आपको 10,000-5,000 रुपये का मंथली दिया जाएगा और यदि आप पकड़े भी गए तो भी आपका बेल कराने से लेकर के अन्य जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट होगा वो इस ग्रुप के लोग ही करेंगे। ऐसा भी ये लोग इस तरह की बातें कर करके यंग लोगों को, नए लड़कों को बरगलाते हैं। और उनका ये पिछले फरवरी 2024 को मुफस्सिल थाना में मोहनपुर रोड पर जहां हम लोग हैं अभी, यहीं पर ही रिलायंस ज्वेलरी का शोरूम है और रिलायंस ज्वेलर्स में एक बड़ी लूटकांड की घटना हुई थी। करीब 7 अपराधी रिलायंस ज्वेलरी में ज्वेलर्स के शोरूम में घुसे थे और उनके द्वारा बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में सोने का सामान और चांदी का सामान लूटा गया था। इस घटना को दर्ज करने के बाद इस पर लगातार मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने तक लगातार इस पर अनुसंधान हुआ है। बीच में एक पार्शियल सफलता भी मिली थी हम लोगों को कि अप्रैल में वीरू पासवान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, जिसने इस घटना को पार्शियल तौर पर खोल दिया था, लेकिन फिर भी पूरी घटना स्पष्ट नहीं हो पाई थी और हम लोग पूरी घटना को नहीं उसमें समझ पाए थे। फिर अनुसंधान इसमें जारी था। अनुसंधान के क्रम में 2 अपराधी हैं, राहुल पासवान जो कि चकवालधारी वैशाली का रहने वाला है और गगन राज जो कि मोहनपुर समस्तीपुर का ही रहने वाला है, इन दोनों को सूरत से गिरफ्तार किया गया। सूरत पुलिस का भी इसमें सहयोग हम लोगों को मिला, उनसे हम लोग टच में थे, हमारे SDP सदर टच में थे और उनका सहयोग मिला। सहयोग के बाद दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ हुई और इस घटना में जो लूट हुई थी उसी लूट का करीब करीब 5 लाख रुपया और एक सोने की चेन और कुछ सोने का आइटम और है उसको बरामद किया गया। इन दोनों अपराधियों को सूरत से यहाँ लाया गया कोर्ट के आदेश पर और इनसे पूछताछ भी की। पूछताछ के क्रम में एक बरामदगी भी हुई, इन्होंने अब पूरी घटना को स्पष्ट कर दिया। ये जो समस्तीपुर में मुफस्सिल थाना में मोहनपुर रोड पर जो घटना हुई थी रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में, ये रिलायंस ज्वेलर्स के शोरूम में लगातार घटना करने रहने वाला एक गैंग है। इस गैंग का माफिया जो है वो गोलू पासवान है जो कि कलकत्ता, छोटू पासवान है जो कि कलकत्ता में ही अभी जेल में बंद है। इसने कोलकाता में भी पिछले वर्ष 2023 में एक बड़ी लूट घटना की थी ज्वेलर्स के शोरूम में, छोटू पासवान, और छोटू पासवान उस घटना में पकड़ा गया था लेकिन उसके अन्य साथी नहीं पकड़े गए थे, तो उसके साथियों के साथ मिलकर ही कलकत्ता जेल से ही इस घटना की प्लानिंग हुई थी। इस घटना में कुल 13 अपराधी शामिल थे, 13 में से 2 अपराधी छपरा के थे, बाकी सभी अपराधी, एक समस्तीपुर का था और अन्य 10वां अपराधी वैशाली जिले के थे। वैशाली जिले के खिलावत गांव है, कुछ वहां के थे और बिदुपुर थाना अंतर्गत अलग अलग गाँव हैं,
वहाँ के रहने वाले ये लोग थे। इन लोगों की जो लीडरशिप थी वो छोटू पासवान और कर्मवीर नाम का एक अपराधी है जो कि दाऊद नगर खिलवत का ही रहने वाला है, विदुपुर थाना का। यह भी कोलकाता ज्वेलर्स का जो लूटकांड हुआ था उसमें वॉन्टेड है अभी तक। इन लोगों से जब पूरी पूछताछ हुई तो उसमें स्पष्ट हुआ कि ये लोग यहाँ घटना करने के लिए जनवरी में ही आ गए थे और पटोरी थाना में एक घर किराए पर लेकर के कमरा वहाँ ये लोग रहने लगे थे। करीब 3 से 4 लोग थे और आते जाते रहते थे उसी में, और ये 2-3 बार रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम का रेकी कर चुके थे घटना करने के पहले। रेकी के क्रम में इन लोगों ने ये भी देख लिया था कि रिलायंस ज्वेलर्स वाले जो हैं उनके पास अपनी कोई सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था की कमियाँ थी वो इन लोगों ने देख ली थी कि कोई आर्म्ड गार्ड नहीं है। और जब ये लोग बंद करते हैं अपने शोरूम को तो उस समय एकदम कैजुअल रवैया इनका रहता है, अलर्ट नहीं रहते हैं। इसीलिए इन लोगों ने रात में 8 बजे के बाद का समय चयन किया था घटना करने के लिए। जब शोरूम बंद होता है तो उस समय ये लोग अलर्ट स्टेज में नहीं रहते, बहुत ही कैजुअल चीज़ों को ले लेते हैं और पूरा स्टाफ रिलैक्स हो जाता है क्योंकि छुट्टी का टाइम हो गया 8 बजे। तो इन लोगों ने देख लिया था कि कौन सा गेट है, गूगल मैप पर भी इन लोगों ने लोकेशन देखी थी। रिलायंस ज्वेलर्स वाले अपने ही अंदर के जो कैंपस है उसकी वीडियो बना बना के भी डालते हैं सोशल मीडिया पर, तो इन्होंने वीडियो के माध्यम से अंदर का पूरा परिदृश्य देख लिया था। इनको पता था कि सामान कहाँ रखा हुआ है और कितनी टेबल्स हैं, कितने लोग हैं, इस बात का अंदाज़ा इन लोगों को मोबाइल पर ही चल गया था और गूगल लोकेशन से भी इन लोगों ने देख लिया था। उसके बाद ये घटनास्थल पर आए थे तो जो कमियाँ थी रिलायंस ज्वेलर्स की वो इन लोगों ने अच्छे से देख ली थी। फिर उन्होंने प्लान बनाया, 2 बार अटैम्प्ट लिया, जब ये नहीं सक्सेसफुल हो पाए। 11 लोग पहले थे लेकिन इनमें से कोई आगे आकर के घुसने वाला व्यक्ति इनको नहीं मिला। फिर उन्होंने द्वारा से वैशाली में अपने सूत्रों से संपर्क किया और 2 बार अपराधी इन्होंने वैशाली से बुलाए। सब यंग लड़के हैं, उम्र इनकी बहुत कमी है, लेकिन जो मेन माफिया थे वो छोटू पासवान और करमवीर है जो कि रिलायंस का जो इन्होंने शोरूम जो है कलकत्ता में भी लूटा है। पूरे देश में ये लोग अलग अलग ज्वेलर्स के शोरूम पर घटना करते रहे। 13 लोग जब आ गए तो इन लोगों ने प्लान इस तरह से बनाया कि 7 अपराधी अंदर जाएंगे और 4 अपराधी बाहर रेकी करेंगे। उसमें से आपने देखा होगा घटना के बाद ही एक अपराधी बाहर की ओर खड़ा हुआ था, अन्य 2 अपराधी आसपास की पान की दुकान पर अपने आप को पोजीशन कर लिए थे। एक अपराधी पटेल मैदान पर भी चला गया था और दूसरा अपराधी दाएं बाएं दोनों तरफ था, जो कि चूंकि इन लोगों को पता था कि 8 से 9 के बीच पुलिस की गश्ती रहती है तो गश्ती पर नज़र रखने के लिए भी इन लोगों ने व्यवस्था की थी। 5 मोटरसाइकिल और 2 फोर व्हीलर का इस्तेमाल भी इसमें हुआ था। 2 फोर व्हीलर थे इन लोगों का कि किसी स्थिति में अगर पुलिस इनको पकड़ती है, लोकल पुलिस, और घेराबंदी होती है तो 4 व्हीलर से ये लोग कैसे भागेंगे। तो इनकी पूरी घटनाक्रम को स्पष्ट कर लिया गया है, इन्होंने सोना कहाँ बेचा, किसके पास है वो भी पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। अपराधी सभी अपराधियों का नाम इसमें स्पष्ट हो गया है। कुल 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और 5 लाख रुपये और कुछ सोना बरामद भी कर लिया गया। अब आगे ये अनुसंधान अभी जारी है। इस घटना में भी अपराधी ये सोच रहे थे कि मास्क लगाए हुए हैं तो इनकी पहचान नहीं होगी, जबकि इनकी पहचान मास्क के बावजूद भी बहुत आसानी से हो गई। इनको पकड़ने में थोड़ा समय लगा चूँकि गुजरात भाग गए थे और सूरत पुलिस से थोड़ा सहयोग हम लोगों को लेना पड़ा। 3 महीने तक लगातार इसमें अनुसंधान है चल रहा था और अभी भी आगे चलेगा। अब हम लोगों का लक्ष्य है कि जो बाकी सोना इन लोगों ने बेचा है वो भी कहाँ बेचा है, किसके पास है, हम लोगों को ज्ञात हो गया है इन लोगों से पूछताछ के क्रम में। अब उसको पकड़ने के लिए टीम को पूरे देश में अलग अलग राज्यों में 4 से 5 टीम बनाई जाएंगी जिनको भेजा जाएगा ताकि बाकी सभी को भी पकड़ा जाए और इनके बीच का जो सामान है, जो गोल्ड है, बाकी बचा गोल्ड भी रिकवर किया जाए। टीम इन लोगों को भी मोटरसाइकिल जो इन लोगों ने जो सोना बेचा था और जो मास्क लगाया था, इनको लगता था कि मास्क से आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, लेकिन इनका भी हम लोग जैसे हम लोगों ने बैंक लूट में किया था, सिमिलरली इस घटना में भी कोर्ट के आदेश के बाद हम लोग इसका गेट एनालिसिस, चाल विश्लेषण टेस्ट कराएंगे। चूँकि ये अंदर आते हैं ज्वेलर्स के अंदर और इनकी पूरी चाल जो है पूरी तरह स्पष्ट हो रही है। आप लोगों ने भी कैमरा देखा है उधर, वहाँ का 7 अपराधी अंदर पूरी चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं किस तरह से घटना करते हैं। तो इनकी जो चाल है CCTV कैमरा में रिकॉर्डेड थी, अभी लोग पकड़े गए हैं, तो इनकी चाल के आधार पर ही अब ये घटनाओं का डिटेक्शन हम लोग कर रहे हैं और इनका जो चाल विश्लेषण टेस्ट है वो FSL गांधीनगर के माध्यम से फिर से कराया जाएगा ताकि इस केस में भी इन लोगों को सजा दिलाई जाए। इस पूरी घटना में सदर SDPO संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। इसमें SHO मुफस्सिल पिंकी कुमारी, CI मुफस्सिल, DIU प्रभारी अजीत कुमार, DIU से चंद्रकेतु, इंस्पेक्टर चंद्रकेतु, सब इंस्पेक्टर में भी अमित कुमार और सिपाहियों में अखिलेश कुमार और अरविंद कुमार, इन सब लोगों ने लगातार 3 महीने तक अनुसंधान किया है और सफलता इसमें मिली। अब आगे प्रयास है कि अगले 30 दिनों के अंदर चुनाव खत्म होने के बाद, क्योंकि हम लोग अभी चुनाव में भी व्यस्त हैं,
तो बड़ी संख्या में टीमों का गठन अब इसमें किया जाएगा और पूरे देश में जो हम लोगों को सूचना मिली है कि कहाँ कहाँ ये लोग हो सके, इन लोगों के पास से तो मोबाइल नहीं बरामद हुए, उन दोनों मोबाइल ने बाकी सभी अपराधियों की पूरी डिटेल, उनका जो पूरा सिस्टम है वो भी ज्ञात हो गया है, इसलिए अब इन टीमों को उन लोगों को पकड़ने में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। इसमें एक बात और सामने आई है इन लोगों की पूछताछ में, चूँकि ये लोग बड़े प्रोफेशनल तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं और इनका उद्देश्य रहता है कि साल एक साल में एक या दो घटना ये लोग करते हैं, फिर देश के अन्य राज्यों में बिखर जाते हैं। और ये सिर्फ एक जगह घटना नहीं करते, इन्होंने देहरादून में भी की है, कलकत्ता में भी किया है, हैदराबाद में भी किया है। हम लोगों ने इसमें आंध्र प्रदेश पुलिस से भी संपर्क किया था, तेलंगाना पुलिस से किया था, कलकत्ता पुलिस से किया था, देहरादून पुलिस से भी संपर्क किया था और एसटीएफ से भी हम लोगों ने, बिहार पुलिस की एसटीएफ से भी हम लोगों ने संपर्क किया था, उन लोगों से भी अच्छा इनपुट हम लोगों को मिला था। तो ये कई राज्यों में घटनाएं करते हैं। अब इन्होंने जो हम लोगों को सूचना मिली है और इस पर हम लोगों को नज़र भी रखेंगे और हम लोग अन्य लोगों को बताएंगे भी, रक्षाबंधन से पहले इस गैंग का जो दो लोग पकड़े गए हैं लेकिन अन्य लोग जो भागे हुए हैं उनके द्वारा कोई और एक देश में कहीं भी, कहाँ ये करेंगे ये भी निज्ञात नहीं है, लेकिन ये श्योर है इनकी प्लानिंग, कुछ दस्तावेजी हम लोग को मिले हैं जिसमें ये वर्णित है कि रक्षाबंधन के पहले ये लोग एक और कोई बड़ी रिलायंस ज्वेलर्स के यहाँ या किसी भी ज्वेलर्स के यहाँ कोई ज्वेलरी शोरूम में घटना करने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि दो लोग इसमें से पकड़े गए हैं तो हो सकता है इनकी प्लानिंग पोस्टपोन हो या कुछ बदलाव उसमें हो, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि उसके पहले सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाए। इसमें जो टीम काम की है इस टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा और इस टीम का पुलिस मुख्यालय भी रिकवरी के लिए इन्होंने जो अचीवमेंट किया है उसको प्रशस्ति पत्र के लिए भेजा जाएगा। स्थानीय टीम पुलिस की गिरफ्त में पहली बार आया क्या सर? नहीं, इसमें मैंने आपको बताया कि कलकत्ता में ऑलरेडी जेल में है, इसका जो मास्टरमाइंड है माफिया है वो ऑलरेडी कलकत्ता जेल में है, तो प्लानिंग कलकत्ता जेल से ही शुरू हुई थी। उसके कुछ साथी जो नहीं पकड़े गए वो जाते हैं और नए नए लड़कों को रिक्रूट करते हैं। इनफैक्ट जो इसमें जो तरीका समझ में आया वो बहुत ही वैसा है जो हमारे जो यंग हैं आज के युवा पीढ़ी के जो नए लड़के हैं उनको किस तरीके से लोग बरगलाते हैं। उनको ये तक भरोसा दिलाया गया था कि आपको मंथली, क्योंकि बड़ी लूट ये लोग करते हैं उसमें से जो पैसा आएगा उसमें से मंथली पे रोल पर हायर करते हैं कि आपको 10,000-5,000 रुपये का मंथली दिया जाएगा और यदि आप पकड़े भी गए तो भी आपका बेल कराने से लेकर के अन्य जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट होगा वो इस ग्रुप के लोग ही करेंगे। ऐसा भी ये लोग इस तरह की बातें कर करके यंग लोगों को, नए लड़कों को बरगलाते हैं और उनका ही उपयोग, पूरी घटना में जो 13 लोग हैं उनसे दो मेन प्लानर दो ही, बाकी सब यंग लड़के हैं, उनका कोई ज़्यादा आपराधिक इतिहास अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो प्लानर्स हैं उनका पूरा आपराधिक इतिहास है, पूरे देश में वो घटनाएं करते रहते हैं, करते हैं कोशिश करते हैं कि नए लड़कों को बरगलाएं, उनको अलग अलग प्रलोभन दें और उनके माध्यम से घटनाओं को एग्जीक्यूट कराएं। इनफैक्ट जो मेन माफिया है वो जिसने सारा सोना बेचने की जिम्मेदारी की है, करमवीर नाम से है, वैशाली का रहने वाला, उसने वो घटना करने समय रिलायंस ज्वेलर्स के अंदर भी नहीं गया था, वो बाहर ही खड़ा रहा था फोर व्हीलर में एक जगह सुरक्षित स्थान पर खड़ा था। तो ये लोग स्वयं रिस्क नहीं लेते हैं नए लड़कों को, जो कि अपने मोटरसाइकिल से लेकर के मोबाइल से तरह तरह के फैशन में लोग लड़के रहते हैं जिन्हें घर के अलावा जो पैसा नहीं मिलता है जेब खर्च, उसके अलावा पैसों की ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत को पूरा करने का ये लोग बहाना बना लेते हैं और कुछ एडवांस भी दे देते हैं ताकि इन बच्चों को, लड़कों को कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ा कुछ दिन की इनको ट्रेनिंग देते हैं और फिर कहीं कहीं देश में अन्य राज्यों में भी कहीं पर भी ले जाते हैं। युवाओं को प्रलोभन देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है? हाँ बिल्कुल, तरह तरह के प्रलोभन इसमें ये लोग देते हैं और फिर लेकिन जो माफिया है वो इसमें घटनास्थल पर नहीं जाते। यहाँ कुल कितने की लूट हुई थी? बड़ी मात्रा में लूट हुई थी, करीब 8 से 9 किलो के आसपास सोना लूटा गया था, जिसमें अभी जो हम लोगों को पता चल गया है कि सारा सोना इन लोगों ने कहाँ बेचा, किसको बेचा है, वो भी हम लोग नहीं वो करेंगे। अभी 4-5 टीमें जो निकली हैं उसका यही प्रयास रहेगा कि जो अभी तक 5 लाख की रिकवरी हुई है कुछ सोना भी अभी मिला है तो अन्य सोना बचा हुआ और सारा पैसा इन्होंने जो बेचा है, जिसको बेचा है उसकी गिरफ्तारी और जहाँ बेचा है उसकी गिरफ्तारी करने के लिए चुनाव के बाद 4 टीमें इसमें पूरे देश के अलग अलग कोनों में रवाना की जाएंगी। यही इसका उद्देश्य।